हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MPS 003 का सब्जेक्ट है, चाहे वे सभी स्टूडेंट्स जून 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर वे सभी बच्चे दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये वीडियो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आप लोगों के लिए आपके पेपर की एक झलक है, क्योंकि ये रिसेंट पेपर आप सभी का दिसंबर 2023 में हुआ है। इससे पहले जो है कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो जो बच्चे जून 2024 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं आपको ये पता चलेगा। दूसरी चीज़, जो बच्चे आपके जनवरी 2024 में एनरोल हुए हैं तो उनको ये पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट में आखिर पढ़ना क्या है। तो दोनों तरह के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी एग्ज़ाम के लिए इनके लिए भी। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एमपीएस जो है आपका 003 के अंदर आपको इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, यानी हिंदी में बात करें भारत लोकतंत्र और विकास, आपको इस सब्जेक्ट के अंदर ये पढ़ना है। और अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, चाहे आप बैक का पेपर दे रहे हो या नॉर्मल पेपर दे रहे हो, तो 3 घंटे का आपके पास समय होता है और 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे इसके अंदर से। और इसके अंदर आप लोगों को एक बात ये भी याद रखनी है कि आप लोगों के सामने 2 सेक्शन बन के आएंगे। यानी क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 2 सेक्शन होंगे आप सभी के लिए। 2 सेक्शन में अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे और इन 10 क्वेश्चनों को 2 सेक्शन में बांटा गया है। आपको फर्स्ट सेक्शन में 5 क्वेश्चन और सेकंड सेक्शन में भी 5 क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। कोई भी 2 कर सकते हैं, 1 से 5 तक। यहाँ पर से आपको 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आप 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन आप चाहे तो फर्स्ट सेक्शन से कर लीजिए, चाहे सेकेंड, जहाँ से आपको ईजी लगता है आप वहाँ से कर लीजिए। सभी क्वेश्चन जो है आप सभी के इक्वल मार्क्स के हैं। इसके साथ साथ आप पेपर के अंदर या तो हिंदी भाषा का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई बार हिंदी में आपके क्वेश्चंस की टाइपिंग की कई मिस्टेक्स रहती है, तो कोशिश ये करना कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेना, कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपके एग्ज़ाम में आपको दिए जाएंगे, तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें। तो क्वेश्चन 2 भाषाओं में आपसे भी के लिए पहले इंग्लिश में होगा और उसके बाद में आपको हिंदी में मिल जाएगा। ये वही सारी डिटेल है जो अभी हमने ऊपर आपको बताई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी विचारधारा की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं किस। तो राष्ट्रीय आंदोलन किस आंदोलन को कहते हैं, वे आंदोलन। तो पहली बात आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन कौन से आंदोलन है, ये वो आंदोलन है जिसके अंदर कोई एक राज्य के अंदर नहीं बल्कि इसका समर्थन और इसका विरोध अगर हम देखें। आंदोलन आप सभी को देख पता है किसी न किसी एक पर्टिकुलर राज्य से संबंधित नहीं होता। राष्ट्रीय आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो वो पूरे के पूरे देश से संबंधित होता है और उस आंदोलन की झलक हमें किसी एक राज्य में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमें देखने को। वो आंदोलन हो सकता है हमारी मौजूदा सरकार जो है उसकी कुछ कमी की वजह से हो सकता है आंदोलन, या जनता की उन अपेक्षाओं उन इच्छाओं को लेकर भी कई बार आंदोलन किया जाता है, जब सरकार जनता की उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती जैसा कि जनता चाहते हैं और जनता के पास में और कोई लोकतंत्र के अंदर कोई और उपाय रहता नहीं है, तो वो क्या करती है, वो सरकार के खिलाफ आंदोलन ही करती है। आपको ये याद रखना है। अगला, समाजवादी विचारधारा की भूमिका, इसमें आपको ये बताना था समाजवादी विचारधारा की क्या भूमिका है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है उसमें समाजवादी विचारधारा की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये समाजवादी विचारधारा एक तो मजदूरों को प्लस किसानों को, या हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग किसको कहते हैं, हम गरीब वर्ग को, जो गरीब वर्ग से संबंधित है उस वर्ग को क्या करता है ये, भाई समाजवादी उन वर्ग को एकता में बांधने का कार्य करता है, या आप कह सकते हो उनको एकीकृत करता है। और उनको एकीकृत करने के बाद में ये सरकार के खिलाफ या उस समय की जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध में लाने की कोशिश करता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी भूमिका का मुख्य रोल है। ये बताती है कि किस प्रकार जो लोग सत्ता में हैं वो आपका शोषण कर रहे हैं,
और उनसे सत्ता छीन कर किस प्रकार जनता के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जा सकता है, और उस शक्तियों के विभाजन से गरीब या जो दीनहीन हालत में है लोग, उनकी स्थिति को कैसे बदला जा सकता है। इसके साथ ही साथ समाजवादी विचारधारा हमें ये भी बताते हैं, समाजवादी विचारा हमें ये भी बताते हैं साथ ही साथ में कि किस प्रकार से मजदूर आगे चलकर, चाहे तो मजदूर किसान या जो भी शोषित वर्ग है जिसका शोषण किया जा रहा है, वो अपनी सत्ता को कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आप ये एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी हम यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर कर रहे हैं, या फिर हम ये बता रहे हैं कि आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप क्या क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, ये है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में जातिगत असमानता की प्रकृति का समालोचनात्मक वर्णन करना है, यानी आपको क्रिटिसिज्म इसमें करना है किसका, जातिगत असमानता। आप सभी को पता है कि ये जो भारत में जातिगत असमानता है ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म में ही नहीं है, ऐसे कई बार जाति व्यवस्था जब हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग केवल और केवल हिंदू धर्म में जाता है, तो ऐसा नहीं कि जाति व्यवस्था केवल हिंदू में ही होती है, अलग अलग तरह की जातियां होती हैं उनमें, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम जो है, मुस्लिम धर्म के अंदर भी उनको जात व्यवस्था या कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। इसके बाद में सिख धर्म जो होता है आपका, सिख धर्म, इसके अंदर भी हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, जैनिज्म में भी दिखता है। हम कह सकते हैं कि जातिगत असमानता बेसिकली है क्या, तो जातिगत असमानता बेसिकली लोगों के कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर क्या किया गया है कि भाई कार्यों के आधार पर जातियों का निर्माण किया गया है, जातियों का निर्माण। और कई जातियां ऐसी रही है जिनका कार्य जो है वो अच्छा है, अच्छा कहने का मतलब यहाँ पर है साफ सुथरा कार्य है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज में गरीब लोग हैं या फिर जिन्हें शिक्षा दीक्षा का ज़्यादा अधिकार नहीं है, निम्न वर्ग का काम करते हैं, तो ऐसे में ऐसे लोगों का शोषण किया जाता है, ये भी बात इसके अंदर इंक्लूड बिल्कुल अवश्य ही। तो जातिगत असमानता बेसिकली क्यों होता है, तो ये कार्यों के आधार पर जो विभाजन कर दिया जाता है, पहली बात ये। दूसरी बात अगर हम कहें तो लोगों के अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिए जाते हैं, सीमाओं का निर्धारण आप ये भी लिख सकते हो। अलग अलग जातियों के अलग अलग अधिकार बना दिए जाते हैं और उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है। तीसरे बात करेंगे हम, थर्ड बात करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कर दिया जाता है, जो उस समय की सत्ता मौजूद है, सत्ता द्वारा जाति व्यवस्था प्रमाणित करना, एक ये भी पॉइंट है, प्रमाणित करने का मतलब है जो शासक वर्ग है वो भी जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं करता, तो इस वजह से भारत में जातिगत असमानता देखने को मिलती है। तो आपको ये भी याद रखना है, तो मैंने आपके सभी के सामने इसके कुछ वेरियस पॉइंट बता दिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको इसके अंदर पक्का इंक्लूड करना ही करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप काफ़ी देर से देख रहे होंगे, आपके दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर, ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले ही देख लिया। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा था हिंदी में गलती होती है, तो यहाँ पर क्या है, विकास का नहीं है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, विकास के राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण। अब विकास जो है वो पहली बात तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम विकास को कितने हिसाब से बांट सकते हैं, विकास को यहाँ पर एक तो सामाजिक विकास हो गया हमारा, एक हमारा राजनीतिक विकास हो गया जो कि क्वेश्चन के अंदर भी आप देख सकते हो, और एक हमारा हो जाता है आपका आर्थिक। तो तीनों की जो गतिविधियां हैं वो अलग अलग है। राजनीतिक विकास में हम सत्ता और साथ ही साथ में जो हमारी शासन व्यवस्था है उसका विकास देखते हैं। सामाजिक विकास में हम देखते हैं कि लोगों का रहन सहन, लोगों का कल्चर, लोगों के तौर तरीके, भाषा, ये किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं। और आर्थिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उत्पादन की क्षमता है, उत्पादन की जो क्षमता है में कितना बदलाव आया है, हम इसको इसके अंदर देखने का प्रयास करते हैं। तो मेरी बात आप सभी को आई होप समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि विकास के तीन आयाम हम देख सकते हैं। इसमें हमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में बताना है, तो ये विकास के राजनीतिक अर्थव्यवस्था की।
तो यहाँ पर मैं हमें बता रहे हैं कि जैसे पहले विकास की वजह से हमारी जो सत्ता है उसको नई नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसकी वजह से शासन चलाने में आसानी हो रही है। जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल सीसीटीवी कैमरा को हम ले सकते हैं, जिसके अंदर अच्छा एक एग्जाम्पल हम ईवीएम वोटिंग मशीन को ले सकते हैं। इसका अच्छा हम उपयोग जो है हम अपने डाटा को क्लाउड्स में या और जगहों पर सेव करके रखते हैं, ताकि हैकिंग का या फिर गुप्त रूप से वो चोरी होने के खतरे से बच जाता है। हम ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा विकास की वजह से बहुत सारे देशों की जो सरकारें हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ गई है। नज़दीक आने का तात्पर्य मेरा आप सभी से ये है कि सरकारें आपसी सहयोग को बढ़ावा दे रही है, और साथ ही साथ जिन चीज़ों की जो है हमारे देश में खपत है, या जो चीज़ हमारे देश में इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है लेकिन फिर भी लोग उसका कंजम्पशन करते हैं, तो वो हमें दूसरे देशों से या दूसरी जगहों से हमें वो प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भारत में न्यायपालिका के कामकाज का परीक्षण किया। भाई न्यायपालिका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये हमारे जो शासन है, शासन के तीसरे अंग के रूप में, तीसरे अंग के रूप में शासन के तीन अंग है, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबसे पहली बात तो ये याद रखना आपको, तो न्यायपालिका का कामकाज बेसिकली है क्या, इसके अंदर आप देखोगे न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए जितने भी कानून होते हैं उन सभी कानूनों को क्या करती है, उसकी देखरेख करती है। यदि कानून संविधान के अनुरूप या जनता के फायदे के लिए नहीं है तो उन कानूनों पे क्या कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है, आप सभी को पता है। इसके साथ साथ न्यायपालिका लोगों को न्याय देने का काम करती है, संविधान की जो है रक्षा करने का कार्य करती है, आप सभी को ये याद रखना है। इसके साथ साथ न्यायपालिका हम लोगों के लिए हमारे क्षेत्राधिकार जो है, सरकारों के जो क्षेत्राधिकार है, डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, इसको भी निर्धारण करने का क्या कार्य, तो बहुत सारे कार्य मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भारत में संघीय व्यवस्था, आप सभी को संघीय व्यवस्था पढ़ा रखी है मैंने। संघीय व्यवस्था आप सभी को इंग्लिश में पता है फेडरलिज्म कहते हैं, और बेसिकली ये फेडरलिज्म जो है ये फेडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता, और बेसिकली संघवाद के अंदर हम शक्तियों का विभाजन दो या दो से अधिक स्तर पे करते हैं, एक केंद्र सरकार हो सकती है, दूसरी राज्य सरकार हो सकती है, और स्थानीय शासन भी हो सकता है, ऐसा कि भारत के अंदर, लेकिन हम संघवादी व्यवस्था में देखते हैं शासन का जो सत्ता का जो विभाजन है वो दो या दो से अधिक अंगों में कर दिया जाता है। इसकी कार्य प्रणाली क्या है, तो हमें सबसे पहले हम देखते हैं शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, दूसरा लिखित संविधान होना चाहिए, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, चौथी बात करें तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। कार्य प्रणाली इसकी यह है कि अगर ये सारी चीजें नहीं रहेंगी तो संघवादी व्यवस्था ठीक ढंग से चली नहीं पाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन हो, तो शक्तियों का जब तक बंटवारा नहीं होगा तो दोनों अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार हो सकता है राज्य सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर दे, राज्य सरकार हो सकता है केंद्र सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर दे, तो ऐसे क्या होगा कि दोनों के बीच में विवाद हो जाएगा। अब विवाद हो जाएगा तो आप सभी को पता है कि विवाद सुलझाना भी पड़ेगा, तो विवाद कैसे सुलझाए जाएंगे, अगर स्पष्ट रूप से कानून लिखे होंगे तो विवाद आसानी से सुलझाए जा सकते हैं, अगर कानून स्पष्ट रूप से नहीं लिखे होंगे तो क्या किया जाएगा कि भाई न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका उसको उन कानूनों को स्पष्टीकरण करने में सहायता देगी, आपको ये याद रखना है इस वाले कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट का है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है मैंने करवा रखा है, भारत में किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन आखिर है क्या, तो किसान आंदोलन कई बार आपसे पूछता है आज़ादी के पूर्व के किसान आंदोलन कौन से हैं, आधुनिक किसान आंदोलन कौन कौन से, या आज़ादी के पश्चात आंदोलन कौन कौन से, ऐसे भी पूछता है हाल ही में हुए आंदोलन कौन कौन से। किसान आंदोलन पर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी, मैं आपको कहूँगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसके साथ साथ भारत में लोकतंत्र और हित समूह जिसे हम दबाव समूह के रूप में भी देख सकते हैं, इसके बारे में भी आपको लिए वीडियो अपलोड कर रखी है। दबाव समूह एक ऐसे समूह को कहा जाता है जो बेसिकली राजनीतिक पार्टी नहीं होती लेकिन फिर भी ये लोगों का हित करती है, लोगों के लिए हित में सोचती है और सरकार के ऊपर दबाव डालती है। राजनीतिक पार्टी का भी यही काम होता है, जनता के हित के लिए काम करती है, सरकार पे दबाव डालती है, सरकार की कमियों को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बदले में राजनीतिक पार्टी खुद सत्ता में आना चाहती है। लेकिन हित समूह की जब हम बात करते हैं तो हित समूह बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। हित समूह का मेन उद्देश्य क्या होता है कि वो जनता की भलाई करे, एनजीओज वगैरह जो भारत में जो लोकतंत्र है, और भारत में लोकतंत्र है सभी को पता है, हर किसी व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, साथ ही साथ में
अगर दबाव समूह हित समूह स्वतंत्र रूप से काम कर पाता है तो लोकतंत्र की वजह से, अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, विकास और लैंगिक न्याय की आलोचना कीजिए। तो हमें बताना है कि जो महिलाएं और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव होता है और वो विकास के कारण या तो बढ़ चुका है और या फिर कम हो रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है और किस तरीके से कम हो रहा है। तो महिलाओं की जो है स्थिति खराब भी हुई है, अब बोलोगे विकास की वजह से महिलाएं तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गई है, तो महिलाओं पर दुष्परिणाम है। महिलाओं को एक आज के जमाने में वस्तुओं के रूप में समझा जाता है, जैसे आपने कोई भी परफ्यूम का ऐड देखा होगा तो उस परफ्यूम के ऐड के अंदर क्या देखा जाता है, महिलाओं को ही पुरुषों की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाया। हालांकि रियल जीवन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमें देखने का, जहाँ एक महिला वहाँ कई पुरुष आकर्षित होते हैं, लेकिन हमें उस जगह पर कुछ अलग छवि महिलाओं की दिखाई गई। दूसरी चीज मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बात करना चाहूंगा कि आजकल महिलाओं को अलग अलग तरीके के कपड़े ब्रांड जो आपके होते होंगे उनमें महिलाओं को एडवर्टीजमेंट करने के लिए अलग अलग शो पीस के रूप में देखा जाता है। और साथ ही साथ में महिलाएं आज खास की वजह से देखो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिल गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है कोई बताए, लेकिन महिलाएं आज क्या कर रही है, बहुत सारी महिलाएं घरेलू कार्य भी कर रही है और क्या कर रही है, बाहर भी जाकर काम कर रही है, ऑफिस में भी घरेलू कार्य। आज भी बच्चे का लालन पालन कौन, पुरुष थोड़ी महिलाएं ही करती है। आज भी घर का खाना भाई पुरुष थोड़ी महिलाएं ही बनाते हैं। आज भी अब बोलोगे नौकरानी रख ली जाती है, बट जनरली आप देखो नौकरानी नहीं रखी जाती तो पुरुष को इन सभी कामों से मुक्ति है। अधिकतर बाजार से क्या खरीदारी लानी है, रिश्तेदारों से कैसा बिहेवियर रखना है, ये सारी की सारी चीजें एक समय के बाद में महिला, लेकिन महिलाओं पे इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। मैंने एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर भी, आप देख सकते हो। भारत में क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी कारण, क्षेत्रवाद होता क्या है, क्षेत्रवाद का मतलब है कि क्षेत्रों के द्वारा अलगाव की मांग, किसकी मांग, अलगाव की मांग, क्षेत्रों के द्वारा की जा रही है अलगाव की मांग। कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कहते हैं डायरेक्टली हमको क्या कर दो, अलग कर दो। वो हो सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हो, अलग होना चाहते हो, अपना नया राज्य बनाना चाहते हो सकता है। बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं कि ना हमें तो पूरा देश से अलग करो, कई लोगों का ये कहना है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आप सभी के सामने क्या कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को इस वाले कॉन्सेप्ट में बेसिकली यही बताने वाला हूँ कि क्षेत्रवाद अलगाव की मांग हो रही है, क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी कारण बताना है। इनके साथ में भाई बहुत भेदभाव होता है संसाधनों का, एक अगला पॉइंट आप बताओगे भाई भेदभाव होता है, सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। दूसरी बात संसाधनों का उपयोग ये नहीं कर पाते हैं, तो इनके संसाधन परंतु ये उपयोग नहीं कर पा रहे। तीसरी बात अगर हम देखें तो भेदभाव के साथ में सरकार द्वारा भाई नीति निर्धारण ना करना, इनके लिए नीति निर्धारण ना करना काम ये भी है। तो इसके अलावा जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय या बाहरी तत्व है, राष्ट्रीय या बाहरी तत्व है, ये भी क्या कर रहे हैं, आंदोलन करने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। बाकी वहाँ की खुद की जातियाँ हैं जो अपनी पहचान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, जैसे असम में हुआ, मिजोरम में हुआ, पहचान की वजह से, पहचान को बनाए रखने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपसे पूछा गया है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के कारण। ओहो इतना आसान, ग्रामीण इलाकों से शहरों में कोई पलायन करने का मतलब है प्रवास करना, माइग्रेट होना। क्यों जाते हैं कोई लोग, तो बोलोगे आप रोजगार की तलाश में जाते हैं, आप कहोगे नहीं शिक्षा के लिए जाते हैं, लोग कहेंगे इलाज के लिए स्वास्थ्य की वजह से आते हैं, लोग कहेंगे सुरक्षा के लिए आते हैं, इसके अलावा बेहतर जीवन के लिए आते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं गाँव में संसाधनों की कमी होती है, उन संसाधनों की कमी की वजह से कोई गांव में नहीं रहना चाहता तो शहरों की तरफ प्रवास करते हैं। तो ये सारे के सारे, अब इसके परिणाम क्या होते हैं गांव से लोग जो शहरों में, ये सारे परिणाम तीन तरीके के तो मेजर परिणाम है। सबसे पहली बात तो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण पर शहरों में पुरुषों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, गाँव में केवल महिलाएं रह जाती है, बूढ़े लोग रह जाते हैं, तो हम कह सकते हैं सेक्स रेशियो बिगड़ रहा है। पर्यावरण की बात करें शहरों में पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा हम देखें तो जो बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में आ रहे हैं ग्रामीण इलाकों से छोड़, तो जो कृषक थे यानी किसान जो थे कृषि कार्यों में भी उनकी कटौती होती जा रही है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, भारत में लोकतंत्र की भूमिका पर परीक्षण, लोकतंत्र भारत में कैसा है। आप एक भारत के नागरिक हो, इसका आंसर फैक्ट मारिए कमेंट, आप मुझे जरूर बताइए कि कैसा
लोकतंत्र है, आपको क्या लगता है भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप इसको देख कर बताइए। एक तो इसमें क्या क्या आप पॉइंट डाल सकते हो मैं बताता हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी होती क्या है? अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचार प्रकट, अपने विचार प्रकट करने की। भारत में है सबको बोल है, कोई चुनाव सिस्टम होता है भारत में, समय समय पर चुनाव होता है, बोलोगे जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और वो रिप्रेजेंटेटिव चुनने के बाद में जनता के लिए काम करता है, पॉइंट बोल सकते हो इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद में हमारी न्यायपालिका की भूमिका, हमारी पार्लियामेंट की भूमिका, इन सभी की भूमिका। न्यायपालिका जो है वो बेसिकली क्या करती है, संविधान की रक्षा करती है, लोगों को न्याय स्थापित करती है। अगर सरकार के किसी अंग द्वारा कोई गलत डिसीजन लिया जाता है या फिर अपने क्षेत्र से बाहर निकल के वो कार्य करती है तो न्यायपालिका उसे रोक देती है। तो भारत में लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आप पार्लियामेंट के बारे में भी आप इसके अंदर इंक्लूड करना चाहो तो आप उसके बारे में भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, बता दिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ जुड़ने का प्रयास नहीं किया है तो आप हमसे जुड़ने का भी प्रयास कीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पर जुड़कर हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ पर से आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस लिंक, इंस्टाग्राम वगैरह से भी, वहाँ पर उसका आईडी आप सभी के सामने है, 7 एक और है। दोनों जगह पर आप इंस्टा पे सकते हैं। जय हिंद, जय